द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन। शर्लॉक होम्स बोलते हैं वॉटसन को कि उन के वॉटसन को साउथ अफ्रीकन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना। तो शर्लॉक होम्स को ये पता चल जाता है। अब कैसे पता चलता है उनको? वॉटसन के जो जो लेफ्ट फिंगर होती है, लेफ्ट फिंगर और थंब, उसके बीच में चॉक लगा होता है। तो उससे वो समझ जाते हैं कि वो बिलियर्ड खेल रहे थे। और वॉटसन हमेशा बिलियर्ड थर्स्टन के साथ खेलते हैं। थर्स्टन एक आदमी का नाम है, तो उसके साथ हमेशा वो बिलियर्ड खेलते हैं। और वॉटसन ने एक महीने पहले बताया था कि थर्स्टन के पास साउथ अफ्रीकन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, जो ऑप्शन एक महीने में एक्सपायर हो जाएगा। और वॉटसन की चेकबुक होम्स के लॉकर में पड़ी थी, और की जो उसकी जो की थी वो होम्स के पास थी। तो इससे होम्स को समझ गया कि वॉटसन को साउथ अफ्रीकन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। फिर एक सुबह मिस्टर हिल्टन क्यूबिट राइडिंग थॉर नॉर्फलॉक, वहाँ से ये एक्चुअली वहाँ से एक आता है लेटर आता है उनको, और उस पर कुछ डांसिंग मैन के फिगर्स बने होते हैं। वो जो लेटर होता है वो मिस्टर हिल्टन क्यूबिट क्यूबिट से आता है। राइडिंग थॉर और नॉर्फोल्क में रहते हैं वो। नॉर्फोल्क इज़ अ नॉट नॉन मेट्रोपोलिटन कंट्री इन ईस्ट एंजीलिया इन 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 इंग्लैंड। ये देखो, यहाँ पे है नॉर्फोल्क और यहाँ पे है लंदन। ये मिस्टर हिल्टन क्यूबिट। तो ऐसे कुछ हीरोग्लाइफिक्स होते हैं वो पेपर पे, और उनको ये हीरोग्लाइफिक्स सन डायल पे मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक लेटर आता है उनकी वाइफ का नाम होता है एलसी, उसके लिए एक लेटर आता है अमेरिका से। और वो जब लेटर पढ़ती है तो वो लेटर को जला देती है। फिर मिस्टर हिल्टन क्यूबिट को विंडो सिल्स, मतलब विंडो का जो बेस होता है, ये देखो, ये विंडो सिल है, इसके बेस पे उनको कुछ हीरोग्लाइफिक्स मिलते हैं डांसिंग मैन के बेस पे मिलते हैं। और सन डायल पे उनको एक पेपर मिलता है। सन डायल का जो बेस होता है, उसका पेडेस्टल होता है, उस पे उनको पेपर मिलते हैं डांसिंग मैन के। और उनका जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़े पे भी कुछ हीरोग्लाइफिक्स मिलते हैं। तो शर्लॉक होम्स बोलते हैं उनको कि वापस जाने के लिए, और अगर कुछ हीरोग्लाइफिक्स और ऐसे डांसिंग मैन के फिगर्स मिलेंगे तो वो लेके आओ। तो फिर वो फिर वापस आते हैं और बोलते हैं उनको और डांसिंग मैन के फिगर्स मिले हैं सन डायल पे और सन डायल पे और दरवाजे पे। फिर शर्लॉक होम्स उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और मिस्टर हिल्टन क्यूबिट को वापस जाने के लिए बोलते हैं। मिस्टर हिल्टन क्यूबिट की वाइफ एक्चुअली अकेली होती है घर में, और रात को मिस्टर हिल्टन क्यूबिट इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन बना के जा रही है, और वो उसको पकड़ने जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उनको रोक देती है। फिर शर्लॉक होम्स एक सुबह जाते हैं, जब डिकोड कर लेते हैं वो, तो फिर वो जाते हैं उधर नॉर्फोल्क जाते हैं। लेकिन फिर स्टेशन पे उनको स्टेशन मास्टर मिलता है। वो बताता है कि मिस्टर हिल्टन क्यूबिट और उनकी वाइफ को गोली लगी है, और उनकी जो वाइफ है उसने वो स्टेशन मास्टर ऐसे बताता है कि उनकी वाइफ ने पहले उनको मार दिया और फिर खुद को गोली मार दी। और जो इंस्पेक्टर इस केस की छानबीन कर रहे थे, उनका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। जो वाइफ वाइफ थी, उनके सर में गोली लगी थी और हिल्टन क्यूबिट के चेस्ट में गोली लगी थी। जो गन थी उसमें दो बैरल थी और दो गोलियां चली थी, और रिवॉल्वर, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रिवॉल्वर पड़ी थी। जो क्राइम जो हुआ था वो रात के 3 बजे हुआ था। उन लोगों के घर, मिस्टर हिल्टन क्यूबिट के घर में एक हाउसमेट थी, उनका नाम था मिसेस सॉन्डर्स, और जो कुक था उनका नाम था मिसेस किंग। वो लोग दोनों ऊपर ऊपर सोए हुए थे। जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो लोग दोनों नीचे आ गए,
वहाँ पर वो जो रूम था जहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे कैंडल कैंडल जल रही थी। मिस्टर हिल्टन क्यूबिट तो वो दीवार से सर लगाए हुए बैठी थी। वो मिस्टर हिल्टन क्यूबिट को वो लोग लेके गए, ऊपर लेके गए और उनका डॉक्टर को बुला लिया उन लोग ने, और पुलिस को भी बुला लिया, और सब दरवाजे बंद थे, और लेकिन फिर भी उन लोग को स्मेल आई थी पाउडर की। तो होम्स वहाँ पे आ जाते हैं। होम्स को तीसरी बुलेट मिलती है, विंडो का जो सैश होता है उस पर उनको तीसरी बुलेट मिलती है। देखो ये सपोज ग्लास है, तो ये सैश है, जो ग्लास से जो अटैच्ड होता है एरिया उसको बोलते हैं सैश। होम्स को थर्ड बुलेट मिलती है, तो होम्स समझ जाते हैं कि कोई तीसरा आदमी भी होएगा। फिर सर्वेंट्स जो थे वो पाउडर को स्मेल कर लेते हैं, इससे वो समझ जाते हैं कि जो खिड़की दरवाजे थे वो खुले हुए थे, इसलिए पाउडर इतनी जल्दी फैल गया और इसीलिए इतनी जल्दी वो लोग ने स्मेल कर लिया पाउडर को। और वो ये भी समझ जाते हैं कि विंडो थी वो ओपन नहीं थी, क्योंकि जो कैंडल थी वो गटर्ड नहीं थी। गटर्ड का मतलब उसके साइड में से वैक्स नहीं गिर रही थी। अगर खिड़की खुली होती, खिड़की अगर खुली होती तो हवा आती, और हवा की वजह से वो कैंडल की जो फ्लेम है वो हिलती और वैक्स उसके साइड में गिरती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और उससे वो समझ गया विंडो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही खुली थी। और शर्लॉक होम्स को ये समझ में आया कि वो जो तीसरा पर्सन था वो बाहर खड़ा था, क्योंकि विंडो की सैश पे बुलेट थी, तो इसलिए वो समझ गए जो तीसरा पर्सन था वो बाहर खड़ा था गार्डन में। वहाँ पे एक लेडी का हैंडबैग था और उसमें 20 नोट थे 50 पाउंड के, बैंक ऑफ इंग्लैंड के, और जो बुलेट थी वो रूम के अंदर से रूम के बाहर गई थी। तो फिर जो लोग बाहर जाते हैं गार्डन में, और उधर सॉफ्ट सॉइल होता है, वहाँ पे उन लोग को फुट मार्क्स मिलते हैं, और जो बुलेट जो रिवॉल्वर थी वो इजेक्टर थी, और इसीलिए उन लोग को वो कार्ट्रिज भी मिल जाता है। शर्लॉक होम्स पूछते हैं कि अगर क्या कोई छोटा होटल है जिसका नाम एलरिज है, तो वो स्टेबल बॉय के हाथ से एक एक चिट्ठी में कुछ लिख देते हैं और भेज देते हैं, और वो लिखते हैं टू मिस्टर एब स्लेनी, एलरिज फार्म, ईस्ट रस्टन, नॉर्थ फोल्क। फिर शर्लॉक होम्स शर्लॉक होम्स इंस्पेक्टर मार्टिन को और वॉटसन को समझाते हैं, ये जो भी हीरोग्लाइफिक्स है वो समझाते हैं। देखो ये दिस कैरेक्टर्स कन्वे मैसेज, सिंबल स्टूड फॉर लेटर्स, दिस ई इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो दिस इज़ ई। उससे डिकोड करते हैं कि दिस इज़ ई ई एन एन ई वी ई आर नेवर। फिर उसके बाद वो ये डिटेक्ट करते हैं एट एलरिज, एट ई एल आर आई जी ई एस एलरिज। फिर उसके बाद वो डिकोड करते हैं ये एम एच ई आर ई एम हियर एब एस एल ए एन ई वाई एम योर एब्स लेनी। फिर उसके बाद ये लास्ट ये ई एल एस आई ई एल सी प्रिपेयर टू
MEET meet by God. फिर वो ये सब डिकोड कर लेते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है उनको कि जो आदमी जो मैसेज भेज रहा था एलसी को, उसका नाम था एब्स लेनी और वो एलरिज्स में रह रहा है। फिर वो उनका एक फ्रेंड होता है विल्सन हारग्रीव, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसको कॉल करते हैं वो, और वो पता करते हैं कि कोई है ना एब्स लेनी नाम का। तो उनको पता चलता है कि शिकागो में एब्स लेनी वॉज द मोस्ट डेंजरस क्रुक इन शिकागो। तो फिर एब्स लेनी को मैसेज भेजते हैं, और वो बोलते हैं कि मैंने एब्स लेनी को मैसेज भेजा हूँ यहाँ पे आने के लिए, और एब्स लेनी वहाँ पे आ जाता है और उसको एब्स लेनी को पकड़ लेते हैं वो लोग। तो एब्स लेनी को वो लोग बताते हैं कि मिस एलसी को एलसी इज़ अरेस्टेड इन द एलसी पे इल्ज़ाम लगाए कि उसने उसने मारा है अपने पति को, पति को मार डाला है। फिर वो एब्स लेनी बोलता है लोगों के ठीक है मैं सच बता देता हूँ क्योंकि एलसी पे इल्ज़ाम लगा है, इसलिए वो सच बताने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर वो बताता है कि एलसी और उसका अफेयर था और एलसी ने उसको छोड़ दिया और मिस्टर हिल्टन क्यूबिट से शादी कर ली और उसने एलसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। एब्स लेनी और एलसी जब छोटे थे तो एलसी के फादर ने ये हीरोग्लाइफिक्स इन्वेंट किए थे, वो उसने एलसी को लिखा था लेकिन एलसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर इसलिए उसने सीक्रेट राइटिंग में लिखा। एलसी और एब 3 बजे मिले थे और उसने पैसा एलसी ने उसको पैसा दे के ब्राइब करने की कोशिश की और इससे उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने एलसी का हाथ पकड़ लिया। फिर मिस्टर हिल्टन क्यूबिट वहाँ पे आ गए, एब ने अपनी गन निकाली और मिस्टर हिल्टन क्यूबिट के पास भी गन थी, दोनों ने एक टाइम पे फायर किया। मिस्टर हिल्टन क्यूबिट का शॉट मिस हो गया और एब का शॉट से निशाने पर लग गया, और फिर एब उधर से चला गया। और वो जब गया तब उसने सुना कि खिड़की उसके उसके पीछे उसने सुना कि खिड़की बंद हो रही है, मतलब एलसी ने खिड़की बंद कर ली और एलसी ने खुद को गोली मार ली। तो शर्लोक होम्स ने क्या मैसेज दिया था, शर्लोक होम्स ने जो मैसेज दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि come here at ONCE, come here at once। ये जो फ्लैग्स हैं दिस डिनोट्स वर्ड ब्रेक या फुल स्टॉप। फ्लैग्स वर यूज टू ब्रेक सेंटेंसेस इन टू वर्ड्स। जो सज़ा जो उसको मिली एब्स लेनी को वो इज़ द पीनल सर्विट्यूड। पीनल सर्विट्यूड मतलब इम्प्रेजनमेंट विथ हार्ड लेबर। पहले उसको डेथ की सज़ा मिली थी लेकिन उसको चेंज कर दिया क्योंकि उसने पहले गोली नहीं चलाई थी, एब्स लेनी ने पहले गोली नहीं चलाई थी, इसीलिए उस डेथ की सज़ा को चेंज करके पीनल सर्विट्यूड की सज़ा को कर दी उन लोगों ने। और जो मिसेज हिल्टन क्यूबिट है शी हैज़ रिकवर्ड एंड शी इज़ अ विडो एंड शी हैज़ डिवोटेड हर होल लाइफ टू द केयर ऑफ द पुअर एंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर हस्बैंड स्टेट, मतलब वो उसके हस्बैंड के स्टेट का ध्यान रखती है और गरीब लोग के लिए काम करती है। ओके, थैंक यू।